वकजा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इशाहू बिल वाले दिन इंसान इम्मा यबलुगन्ना इंद कल की बारा अहदुहुमा औकिलाहुमा उफ़ वाला औकिलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़ वाला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। एक बार सुभान अल्लाह पढ़ के सुनाओ। मैनू आर्डर होया पीर सैयद अब्दुल गनी शाह कामों की वाले रहमतुल्लाह उन्होंने अंदाज अंदर थोड़ी जी आयत पढ़ो। हजरात पूरी है उन्होंने तरस से मैनू नहीं लाउनी आउंदी। मैं कोशिश करना मैनू सुभान अल्लाह चाहिदी। जरा मार का एडवांस आखो सुभान अल्लाह। لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين اس بواس فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। हजरत शाह जी जिथे लेटे दुआ फरमाओ रब करोड़ा रहमत नाजिल फरमाए। हुफल्लजी बवासा फिल उम्मीशीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कबल लफी ज़लाल। शाह जी कुरान पढ़िया करते खुदा दी कसम कुरान दी लज्जत मिठास अरशां वाले रब्बा तेनू तेरी किबरियाई दा वास्ता ही इस्माइल दी जान कड्डे कुरान पढ़दे ही कड लई। ओ इतना जहाज ते चढ़न दा मजा नहीं आउंदा जितना कुरान पढ़िए सुनिए मजा आउंदा। हजरत पीर शाह अब्दुल गनी फरमाया करते लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يوسف بجهم سكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما إنه عليم قدير। हजरत शाह जी कुरान पाक दे मुकाम पढ़िया लोगों समीनो आसमान दा बादशाह अल्लाह वे जो पैदा करता है अल्लाह पाक निरे पुत्र देवे रब दी मर्जी निरियां बेटियां देवे अल्लाह पाक दी मर्जी रलवी मिलवी औलाद देवे रब दी मर्जी किसे नु कुछ भी ना देवे रब दी मर्जी। ते शाह जी कुदरती जोड़ जुड़ गया इधर एक बाबा बैठा है जिन्हों रब ने निरे निरियां बेटियां दितियां एक इधर बाबा बैठा है जिन्हों रब ने निरे पुत्र दिते ने एक सामने बाबा बैठा है जिन्हों रब ने पुत्र भी दिते तियां भी दितियां। ते तुहानू पता है शाह जी दी पूरी जिंदगी हजरात औलाद कोई नहीं रब ने पुत्र नहीं दिता बेटी नहीं दिती एवें जिंदगी गुजर गई। शाह जी इशारे करी जांदे नाले कुरान पढ़ी जांदे नाले तर्जमा समझाई जांदे لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
लोगो जमीनो आसमान दा बादशाह अल्लाह जो पैदा करे अल्लाह पाक दियां मर्जियां। शाह जी ने कुरान पाक दे अगले अल्फाज पढ़े, या हबुली मैयशाऊ इनासा, निरियां बेटियां देवे अल्लाह पाक दी मर्जी। हजरत शाह जी ने इधर इशारा किया जिवें ऐ बाबा बैठा है, अल्लाह पाक ने नू निरियां बेटियां दितियां, निरियां धियां दितियां ने। ते शाह जी ने कुरान पाक दे फिर अगले अल्फाज पढ़े, या हबुली निरे पुत्र देवे अल्लाह पाक दी मर्जी। इधर इशारा करके फरमाया जिवें ऐ बाबा बैठा है, अल्लाह पाक ने नू निरे पुत्र दिते ने। ते फिर शाह जी ने कुरान पाक दे अगले अल्फाज पढ़े, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासन, पुत्र भी देवे बेटियां भी देवे रलवी मिलवी औलाद देवे अल्लाह पाक दी मर्जी। जिवें ऐ सामने बाबा बैठा है, अल्लाह पाक ने नू पुत्र भी दिते, धियां भी दितियां ने, रलवी मिलवी औलाद दिती। ते फिर कुरान पाक दे अगले अल्फाज पढ़े, हजरत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह हिचकियां निकल गईयां, सिसकियां निकल गईयां, नाले रोन लग पे, नाले कुरान पढ़ी जांदे, नाले तर्जमा समझाई जांदे। वयजअलु मैया शाउ अकीमा, अलोगो रब दी मर्जी ना पुत देवे ना बेटी देवे, एवें जिंदगी नगा देवे। ते रो के आंदे ने, मैं शाह अब्दुल गनी नू वेख लो, रब ने ना मैनू पुत दिता ना मैनू धी दिती, एवें जिंदगी गुजर गई। इन्नहु अली मुन कदी, तियां देवे पुत देवे रब दी रसा, किसे नू कुछ भी ना देवे उनू कौन पुछेगा। तियां पुत लोको मोती अनमोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। इख्तियार दा मालिक कौन? बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना, पईया बेटियां बकरियां चार दियां, भला नहीं सी शुएब दा जी करदा, लजतां चखे इस मौज बहार।